फ्रेंड, आज हम 2018 की यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके अप्लाइड फॉर्म के साथ साथ ही साथ हम जो भी क्वेश्चन में जिस प्रकार से ट्रेंड होते गए हैं यूपीएससी के, तो उनको भी हम डिस्कस करते जाएंगे और जिस प्रकार से जो ट्रेंड रहा है, किस प्रकार से जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहाँ कहाँ यूपीएससी जो है तो एक्सट्रीम लेवल पर क्या कैसे जो है, तो आपके एक प्रकार से इंडिकेशंस होते हैं कि कहाँ पास से आप इस टाइप की जो यदि क्वेश्चन में ये कीवर्ड प्रयोग होते हैं तो वो रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है मित्रों। आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और हम 2017 का वीडियो भी डालेंगे, साथ ही साथ हम 2 से 3 साल लगभग 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के उनका वीडियो बना करके हम इस चैनल में डालेंगे, जो कि आप लोगों के लिए या यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो मित्रों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा आपके माइंड जो होता है इस तरह से बिल्डअप हो जाता है कि जो यूपीएससी के जो कीवर्ड प्रयोग होते हैं, यूपीएससी की जो लैंग्वेज होती है, यूपीएससी के जो टाइप्स होते हैं ना, तो वो आपके माइंड पे ऑलरेडी जो ब्रेन में वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, तब जाकर के आप यूपीएससी के क्वेश्चन के अनुकूल यानी फ्रेंडली हो जाते हैं, तब आप बेहतर तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे और वो आपके लिए जो जिस क्वेश्चन को आप बहुत कम या न के बराबर जानते हैं उसको भी आप इजीली उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं यदि आप यूपीएससी के ट्रेंड को एक बार समझ गए बेहतर तरीके से। तो इस वीडियो में हम इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन जो होंगे यूपीएससी के तो उनको अप्लाइड फॉर्म में आपको बताएंगे ना, ये जो है तो निश्चित तौर पर इसको आप लास्ट तक वीडियो को देखेगा फ्रेंड, निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है फ्रेंड। और उसके हम एक्सप्लेनेशन से हमें ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा उसका डीप एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बाकी तो चीज़ें आपने यदि पूरा मतलब सिलेबस तो मैं तो इतना तो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने सिलेबस पूरा पढ़ा ही होगा, है ना। तो इसमें से आपको यहाँ पर स्टेप यदि हम पूरा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा, 2 से 3 घंटे खींच जाएगा, उससे कोई मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा खास आउटपुट उसमें मिलने वाला है ना। तो हम पूरा एक्सप्लेनेशन डीप एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पास आपको पूरे वीडियो में अप्लाइड फॉर्म बताएंगे किस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर तक पहुँचा जा सकता है। आप लोगों के सामने यूपीएससी 2018 का सेट ए, हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ठीक है। तो इस पे देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। सेकंड, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले 1969 में मान्यता दी गई थी। या लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हों तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है, ठीक है। ये तो इसके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो अब इन स्टेटमेंट पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल। अब यहाँ पास याद रखिएगा कि जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो मोस्टली यूपीएससी के पास अब यहाँ पास क्या ऑप्शन बचा है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले मेंबर हैं उनके पास ऑप्शन बचता है वो कहाँ पास चेंजेस करें। तो जो फैक्चुअल डाटा होता है तो फैक्चुअल डाटा पे यूपीएससी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा चेंजेस हेर फेर किए जाते हैं, तो इसीलिए जो फैक्चुअल डाटा है उस पे आप लोग थोड़ा सा बारीकी से उस पे नज़र रखें और जब जहाँ पास फैक्चुअल डाटा दिखे वहाँ पास अलर्ट हो जाइए क्योंकि वहीं चेंजेस होते हैं और वहीं पास सबसे ज़्यादा मतलब कि घुमाने का प्रयास करते हैं यूपीएससी, ठीक है। तो अब यहाँ पास यदि देखें तो जो लोकसभा जो पहला विपक्ष सबसे बड़ा जो विपक्ष दल था तो वो था स्वतंत्र पार्टी नहीं था बल्कि सीपीआई थी, है ना। तो यहाँ पास यहीं पास जो थी रॉन्ग था, स्वतंत्र पार्टी इन्होंने दे दिया था, ठीक है। तो मतलब कि ये जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है दिस इज़ रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। अब यदि हम पहले स्टेटमेंट को यदि रॉन्ग कर देते हैं फिर हम थोड़ा सा इसके उस पे चलते हैं, ऑप्शंस पे देख लेते हैं कि ऑप्शंस पे क्या इसको बचता है। तो यदि फर्स्ट स्टेटमेंट को यदि हम रॉन्ग कर देते हैं तो मतलब कि आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, अब आपके पास 2 बचते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले 1969 में मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट है क्योंकि 1969 के आसपास ही जो है तो मान्यता दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कि आपका सेकंड नंबर का स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और इसमें से भी 2 ऑप्शन ऐसे बच भी रहे हैं कि इसमें तो दोनों फिक्स है कि ये तो होगा ही सही होगा। थर्ड नंबर पे ध्यान दें कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो अब यहाँ पास ध्यान दें कि यहाँ पास जो है तो न्यूनतम 75 दे दिया गया है, यानी कि ये रॉन्ग है क्योंकि जो 10% उसमें जो है तो लोकसभा या राज्यसभा जो है तो अलग अलग जो है तो 10% वहाँ पास जो है तो उनकी मतलब सीटें यदि हों तो उनको विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का वो मिल जाता है। तो यहाँ पर 75 दे दिया गया, मतलब कि ये भी आपका जो है तो क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो अब यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होते हैं। ठीक है, तो इसके यदि ऑप्शन में देखें तो मोस्टली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो इनमें तो आप लोग मतलब कि ये कॉमन से क्वेश्चन है कि यहाँ पर सभी ज़्यादा रिसर्च तो करेगा नहीं, तो इसके जो ऑप्शन है मोस्ट सभी अप्रोप्रिएट ही ऑप्शन है कि कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण, पर्ण की जगह काटे हो जाते हैं। तो इसके जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो ये क्वेश्चन है तो इसके स्टेटमेंट पे NSSO रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इनके स्टेटमेंट में देखें कि राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, ये भी फैक्चुअल डाटा ही आ गया है, तो यहाँ पास अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पास जो है तो डाटा में ही आपको घुमाएगा। ठीक है, तो यानी कि NSSO का जो सर्वेक्षण आया था 17 सर्वेक्षण, तो उसकी असेसमेंट में ये रिपोर्ट में जो भी डाटा आए थे, मतलब कि आपको यहाँ पास एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि NSSO से इनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट हैं, जो भी डाटा हैं, उनको आप लोग गहराई से और बड़े ध्यान से आप लोग को दें, मतलब कि उनको पढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हों, फैक्ट डाटा हों, तो उसको नोट डाउन भी करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पास देखते हैं कि फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है कि राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि राजस्थान में जो ग्रामीण कुटुंब हैं उनमें कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। यदि फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इट मीन्स कि दिस इज रॉन्ग एंड ये भी रॉन्ग। अब दो आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, दो बचे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कि देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक OBC के हैं। यहाँ पास इस पे आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि यहाँ पास ये जो है आपका डाटा रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर आपका गलत हो जाएगा। अब जब आपका सेकंड नंबर गलत हो जाएगा इट मीन्स कि आपका ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि आपका एक और तीन ऑप्शन सही है। ठीक है, कि 60% से कुछ अधिक कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि NGT से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो NGT जैसे कि हाल चर्चित भी रहा उस समय, तो यहाँ पास NGT किस प्रकार से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB से भिन्न है, है ना। NGT से रिलेटेड है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे डिफरेंट है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो इनके स्टेटमेंट पर ध्यान दें, तो स्टेटमेंट पर हम चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि NGT का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये दे रहा है, लेकिन यहाँ पास ध्यान देने वाली बात है कि CPCB का जो गठन है यहाँ पास ये गलत दे रहा है कि कार्यपालक आदेश से नहीं, बल्कि इसका भी गठन जो है तो वाटर एक्ट, जो जल एक्ट था 1974, उसके तहत इसका भी गठन हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पास इसका ये स्टेटमेंट जो है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन चलते हैं। अब यदि फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं फिर, तो आपके पास फिर ऑप्शन बचता है यानी कि बी और यहाँ पास डी। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। तो सेकंड है कि NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है ना। मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, यानी कि बी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिर से वही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, ये काफ़ी उस समय जो है तो ये मुद्दा चर्चित भी था, जो SC ST एक्ट को जो है तो 9वीं अनुसूची में डालने की बातें हो रही थी जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो है ना, ताकि उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी चेंजेस ना कर सके, लेकिन उसके बाद भी अमेंडमेंट करके जो है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोई भी उसकी समीक्षा की जा सकती है ना, तो इसलिए जो तो 9वीं अनुसूची से क्वेश्चन बना था। तो ये जो करेक्ट आंसर, ये तो आंसर आपका करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि फर्स्ट आपका सही है, यानी कि आपके एलिमिनेट हो गया कौन सा, ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये आपके स्टेटमेंट जैसे कि बताया हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था इसमें उसके निरीक्षण हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका जो है तो गलत हो जाएगा और आपका आंसर होगा कौन सा, ए नंबर का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्न में से कौन सा सबसे सटीक कैसे वो व्याख्यात करता है किसको, तो इन पे देखते हैं। तो ऑप्शंस पे ध्यान दें कि
या किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है, या बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तु और सेवाओं के क्रय हेतु विक्रय देने लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है, या बैंक द्वारा किसी व्यापारी को अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। कि इसका जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, इसका सी नंबर सही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह यानी NSG के सदस्य बनने का क्या परिणाम है। जैसे NSG के सदस्यता के लिए भारत के ये क्वेश्चन तो मतलब कि ये चलता ही रहता है ना, बर्निंग टॉपिक रहता ही है ना। तो इससे रिलेटेड कि जब भारत NSG की सदस्यता पा लेता है तो उसके क्या मतलब कि आउटपुट इसके होंगे, है ना, ये मतलब पूछा गया है। तो यदि हम इस पर देखते हैं, इनके ऑप्शंस पे ध्यान दें, तो ध्यान इस ऑप्शन फर्स्ट नंबर की स्टेटमेंट कहता है कि इसकी जो पहुंच है नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो जाएगी। सिंपल सा है, मतलब कि ये करेक्ट है। यह स्वमेव नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि NPT के सदस्य बन जाता है। यहाँ पास ध्यान देने वाली बात है कौन सी कीवर्ड, स्वमेव यानी ऑटोमेटिक बोल दिया गया है ना। तो इस तरह तो कोई ऐसी चीज़ें मोस्टली जो तो UPSC इन्हीं पे जहाँ पास स्कोप देखता है वहीं पास जो तो कोई भी टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी कीवर्ड का प्रयोग करके पूरे स्टेटमेंट को ही रॉन्ग कर देता है, और हम पूरा स्टेटमेंट के थीम पे चलते हैं और उसको धोखे से सही कर देते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि छोटी छोटी कीवर्ड को भी हम नज़रअंदाज ना करें, उन्हें भी आप लोग देखते रहें। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपका सेकंड नंबर का स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर होगा ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रवासी सत्तों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत के द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसके ये हम थोड़ा सा इंग्लिश उस पर चलते हैं। कि विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाई नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो यदि इस पर देखें तो इनके ऑप्शंस पे देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। ठीक है, या भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं ये रॉन्ग है, यानी आपका जो डी नंबर होगा वो सही होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट यानी FRBM जो समीक्षा समिति है उसके प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर के ऋण GDP अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% होगा। ठीक है, यानी कि ये तो आपका स्टेटमेंट सही दिख रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि राज्य सरकारों के GDP के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए GDP का 21% घरेलू देयताएँ हैं ना। तो यानी कि आपका ये जो स्टेटमेंट सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है ये फैक्चुअली रॉन्ग है। तो यदि आप इसी में से एलिमिनेट करने का प्रयास करना चाहें देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखें कि फर्स्ट यदि सही है तो इट मीन्स कि आपका ये सेकंड ये जो ऑप्शन ये रेज हो गया, ये भी ये रॉन्ग है, इट मीन्स कि सेकंड वाला जो यानी कि ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं ए और सी, अब इनमें देखते हैं। तो लास्ट वाला है थर्ड स्टेटमेंट, देखें कि भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर होगा सी नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर वही विचार करना है कि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। इस बार भी याद रखिएगा फ्रेंड कि ये जो जैसे कि ये भी बात मलेशिया से जो तो पाम ऑयल की इंपोर्ट को कम कर दिया है, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग इस पर भी विशेष ध्यान रखिएगा, इसके जो इकोनॉमिक्स पे यानी हमारे जो इसके इंपोर्ट होते हैं उसका जो एनालिसिस उसका ट्रेंड है ना, उसमें किस प्रकार से वृद्धि या कमी हो उसको आप लोग निश्चित रूप से पैटर्न को जरूर से जरूर एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि है क्योंकि पाम ऑयल का भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो इसलिए जो है तो इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन पे कि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड नंबर तो इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो सेकंड नंबर रॉन्ग है इसका मतलब फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। ठीक है, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने मैजिनी गरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे
तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, वे कौन थे। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है तो यूपीएससी में पूछा जाता है, मतलब कि उनके बैकग्राउंड दे दिया जाता है और उनको यहाँ पास ऑप्शन में मतलब कि पूछा गया, तो ये कौन थे। इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है ना, क्योंकि आधार ये भी काफ़ी मतलब कि करंट में काफ़ी चर्चित रहा है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गए थे ना, क्योंकि करंट के क्वेश्चन मतलब कि आपके जो मेन यदि बात करें कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन मोस्टली वही उठते हैं जो करंट में ज़्यादातर चर्चित रहते हैं ना, तो ये भी जो तो ध्यान देने वाली बात है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, या कि एक बार जारी करने के बाद इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय लुप्त नहीं कर सकता है। तो इसके जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो रॉन्ग है, इसके ना तो एक और ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शंस पे देखते हैं, तो इसके यदि इनमें हम देखें तो अरल सागर जो है, तो जैसे देखा गया कि अरल सागर जैसे नासा के उसमें भी उसने जो इमेज भी ली थी उसमें भी देखा कि अरल सागर जो है तो एकदम संकुचित होता चला जा रहा है ना, सूखता चला जा रहा है। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर का। ठीक है, इसका ये सही स्टेटमेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को कौन जारी करता है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जारी करता है विश्व न्याय परियोजना। ठीक है, विश्व न्याय परियोजना इसको जारी करती है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। ठीक है, तो जैसे उस समय डिमोनेटाइजेशन जैसी घटनाएं भी हुई थी है ना, तो उसी से ये काफ़ी मतलब कि उस समय ये भी चर्चित रहे, तो इससे रिलेटेड भी मतलब क्वेश्चन बन गया था कि सभी एटीएमओ को जोड़ता है। उसका जो सही जो आंसर होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 16। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे कि वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। सेकंड नंबर है कि CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक के द्वारा अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कि CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक यानी कि प्रत्येक की बात कर रहा है, तो इस टाइप की याद रखना कि इस तरह के जो कीवर्ड का प्रयोग है वहाँ पास आप लोग अलर्ट हो जाइएगा, तो ये जो है इसी की वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका इसका ऑप्शन ए नंबर जो है तो वो सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API उपलब्ध कराता है ना, पहचान प्लेटफॉर्म, तो इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसके ऑप्शन फिर देखते हैं, तो इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है या परितारिका आईरिस का उपयोग करके ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है ना, यानी कि इसके थोड़ा सा हम इंग्लिश उस पर देखते हैं कि ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आयरिस इज पॉसिबल। तो इसके दोनों ही ऑप्शन जो हैं तो करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए, या तो भयंकर या मतलब कि या उनकी युद्ध संजाति संघर्ष के चलते उत्पन्न भूखमरी के कारण मृत्यु हुई थी। तो ये जो है तो उस समय जो यमन और दक्षिण सूडान में बहुत ज़्यादा मतलब कि गृहयुद्ध जैसी स्थिति थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, तो इस पर से देखते हैं कि वुड डिस्पैच से रिलेटेड ऑप्शन पे देखें, तो सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी उस समय क्या। ठीक है, तो ये ऑप्शन मतलब ये तो सही है फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश क्या इसमें की गई थी। ठीक है, ये भी जो है तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। ये सभी माध्यमों की बात करें मतलब कि फिर से वही बात कीवर्ड पे ध्यान देने वाली बात है कि सभी माध्यमों पर नहीं की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, और इसका फर्स्ट और सेकंड जो है तो राइट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियमें नियम उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका के द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है।
तो उस समिति का नाम क्या है ना, तो इस समिति का नाम है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ठीक है, यानी कि इसका जो इंग्लिश हो गया कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, ये हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से वही स्टेटमेंट दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने हेतु होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है ना, ऐसा है क्या? तो ऐसा तो कोई मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल कंपलसरी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसका जो है तो रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं हम लोग। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है क्या, है ना। तो यदि इस पर देखते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है तो सही है, ठीक है, कि ये आवश्यक है। वहीं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि भारत में, अब ये थर्ड स्टेटमेंट देखो तो ये तो ऑटोमेटिकली फिर ही ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि सेकंड नंबर पे ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो कि ये 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकारों के अधीन है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। बाकी हम आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के पेपर को किस टाइप से मतलब एक करें, मेन एग्जाम हाल में क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए भी आपको एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें से हमको बताएंगे किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को मतलब कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए ना, क्या रणनीति होनी चाहिए, उससे संबंधित भी वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे, ठीक है, अलग से। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, परंपरा और राज्य, है ना, इनसे संबंधित है। तो देखें कि चपचारकुट त्यौहार ये है मिजोरम से रिलेटेड, मतलब ये सही है, ठीक है। खोंगजाम प्रभा गाथा गीत ये मणिपुर का है क्या, ठीक है, ये भी जो है तो करेक्ट है। वहीं थांगटा नृत्य ये जो है तो सिक्किम का नहीं बल्कि ये मणिपुर का है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है तो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य मिश्रण की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया, ठीक है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि आपका जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यानी कि ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। और एक बात याद ये भी रखिएगा फ्रेंड कि मोस्टली जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन UPSC देती है, तो आप प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा, तो उसमें जो मिनिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादातर जो है तो मोस्टली जो है तो वो रॉन्ग ही मिनिस्ट्री देते हैं ना। तो आप लोग कभी कभी इसमें भी रिस्क ले सकते हैं, हालांकि कि जब आपको आइडिया ना हो कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी ये एग्जैक्ट नहीं है, तो ये आइडिया ले सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा कभी कभी मतलब कि हेर फेर मोस्टली वो कर देते हैं, है ना। तो ये आपका जो फर्स्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था इसराइल से रिलेटेड था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यानी कि ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड था, तो इसके ऑप्शन पर ध्यान दें। तो ऑप्शन है कि केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, ना, ऐसा है क्या? तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे है कि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी, ये तो ऑप्शन सही है। वहीं थर्ड पे देखें, थर्ड है कि गर्भवती महिलाएं दुग्ध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं वो गर्भावस्था के दौरान और उनके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। यहाँ पर फिर से डाटा फैक्चुअल पर ध्यान दीजिएगा कि जो फैक्चुअल डाटा है ये रॉन्ग है, ठीक है, क्यों? क्योंकि 1600 नहीं बल्कि 6000 कैलोरी है, ठीक है, और 6 महीने से 6 साल तक जो है तो वो ICDS सेंटर के द्वारा ये दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड है ये रॉन्ग है, और इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है, मतलब कि बी नंबर इसका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में माल के भौगोलिक संकेत यानी कि रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को इनमें से किससे संबंधित दायित्व के अनुपालन के लागू किया गया है, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा WTO के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, है ना, और सेकंड नंबर है कि आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं, थर्ड नंबर है कि राजस्थान में लोह अयस्क की खदानें हैं,
ये तो सही है कि लोह खदानी राजस्थान में है, लेकिन ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि राज्यों को भी कोयला गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है, और आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी सोने की खदानें हैं, ठीक है, यानी कि इसका जो स्टेटमेंट मतलब कि डी नंबर होगा वो ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन मतलब कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है कि भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जो भी स्कीम नई नई लॉन्च की गई, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन यहाँ से रेज हुआ था। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन पर देखें तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन हस्तांतरण करना संभव बनाता है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं कि यहाँ एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। याद रखिएगा कि मैं बताया था कि अब यदि फैक्चुअल डाटा दे रहा है कुछ, ठीक है, तो उस पर आप अलर्ट हो जाएगा, निश्चित तौर पर यहाँ वहाँ पास UPSC को हेर फेर करने का स्कोप दिख रहा है और वहीं से आपको फंसाएगा। यहाँ पास देखें, यहाँ पर ध्यान देगा कि 4 घटक होते हैं, जो कि भीम ऐप प्रमाण कंपेरिजन करके जो फैक्ट है इसमें 2 घटक बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पास स्टेटमेंट जो रॉन्ग हो गया आपका, यानी कि आपका इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित, आपके मैपिंग का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैंगलोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं, है ना, तो ये जो संबंधित हैं वो हमें बाल श्रम से रिलेटेड है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा यहाँ पास कि यहाँ पास पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो आप हम ऑप्शन पे चलते हैं कि किसी बिल या विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण उन्मूलन माफी परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो, ठीक है, ये मतलब कि ठीक है। धन विधेयक में भारत के संचित निधि एवं भारत के आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा संबंधित उपबंध होते हैं, ठीक है। धन विधेयक भारत के आकस्मिकता निश्चित धन के विनियोजन से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पास ये जो सी नंबर का स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट जो है तो राइट नहीं है, मतलब कि इसका सी ये होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इस पर देखते हैं कि ऑप्शन पे देखें हम लोग। तो ऑप्शन है कि प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये तो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त न्यायाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है, ठीक है, तो इसके हम स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है कि असैनिक परमाणु रिएक्टर या IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाता है, ठीक है, या सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं, या देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के यूरेनियम के क्रय का विशेष अधिकार हो जाएगा, या कि देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये फर्स्ट नंबर कि असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो ये जो है तो कौन सा है कि कौन से आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कौन से इसमें मतलब कि सदस्य इसमें पूछा गया है कि कौन से उसमें मतलब कि नहीं है इसके वो, ठीक है, तो इसमें यदि हम देखें तो कौन से भागीदार इसमें पहले पूछा गया कौन से भागीदार इसमें हैं, तो इसमें ऑप्शन पे ध्यान दें आप लोग, इसके जो पार्टनर हैं वो हैं टोटली पार्टनर की बात करें इसमें कि कौन कौन इसके पार्टनर हैं, तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, वहीं चाइना है, भारत है, ठीक है, वहीं जापान है, दक्षिण कोरिया अब जो है तो दक्षिण कोरिया भी है, ठीक है, और जो आपका है न्यूजीलैंड है, ठीक है, तो इसके जो है तो ये जो लगभग 6 जो देश हैं तो ये तो इसके पार्टनर हैं आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार हैं। वहीं हम इस पर बाकी अदर ऑप्शंस पे ध्यान दें इसमें, तो इसमें इन्हीं ऑप्शंस पे देख सकते हैं 1, 3, और 4, 5 इसका जो है तो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका स्टेटमेंट सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु अनुकूली है ना, यानी कि जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है, ठीक है, तो इनके स्टेटमेंट भी देखते हैं, यानी कि
GSCSA है ना, तो GSCSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है ना, ये है क्या? तो ये ऑप्शन इसका गलत है। वही GSCSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है इसका राइट है। वहीं GSCSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी, तो इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं थी, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार का डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर सब यूपीएससी के क्वेश्चन की जो पैटर्न है ये देखने की ध्यान देने वाली बात है कि पूछता किस टाइप से है, तब डिजिटल इंडिया से किस टाइप से यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है ये आप लोग खुद देख सकते हैं। कि देखिए कि भारत की अपने इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया है, इसका क्या ये उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें, क्या ये सही है? दिस इज़ रॉन्ग, ये भी इसका लक्ष्य नहीं है। और हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाईफाई लाना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर का, ठीक है। यह है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, फिर वही मतलब कि इसमें मैच कराने वाला है। तो फर्स्ट है अलेप्पो, सीरिया सही है, किरकुक, यमन ये रॉन्ग है, ठीक है, मोसुल ये भी फिलिस्तीन रॉन्ग है, जबकि मजार शरीफ अफगानिस्तान ये सही है, मतलब इसका जो फर्स्ट और फोर्थ होगा ये सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, है ना? तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी वो दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, ऐसा है क्या? या जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, कि तुरंत रिक्त कर देता है ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जब तक प्रोटेम स्पीकर मतलब कि नहीं बन जाता है उसके पहले तक जो है तो वो जो अध्यक्ष है वो उसी तरह से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास जो तो इसका जो मतलब कि फर्स्ट जो सेकंड नंबर है ऑप्शन इसका ये रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि विधि और स्वाधीनता, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन जो तो प्रीवियस 2017 में भी काफ़ी पूछे गए थे, है ना, फिलोसफिकल अंदाज में। तो इस पे ध्यान देने बात है कि देखते हैं कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में कौन प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो इनके यदि ऑप्शंस पे देखें तो यह विधियाँ अधिक होती, यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, ये रॉन्ग है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, इसका ये जो है तो सही आंसर होगा बी नंबर, ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट भी था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई भी दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी इसका सही स्टेटमेंट है, इससे इसका जो आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है, तो जो बनी ठनी है वो है किशनगढ़ शैली का, ठीक है, 1750 के दशक की बात, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी समाचार में उल्लेखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि THAAD यानी थार्ड क्या है, तो थार्ड जो है तो अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है ना, यानी कि अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन पे चलते हैं इसके स्टेटमेंट पे कि त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाले थे कि यहाँ पर जो फैक्चुअल डाटा में क्या डिफरेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्कोप है कि त्यागराज से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण नहीं बल्कि भगवान राम था, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने चेंज करके कृष्ण कर दिया, तो स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। तो 1767 के आसपास जो है तो त्यागराज का जन्म हुआ था और उनकी जो है तो 2018 में ही 250वीं जयंती मनाई गई थी, इसीलिए क्वेश्चन रेज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पास देखते हैं तो यहाँ पास जो चेंजेस करके यहाँ पास कृष्ण कर दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट ये फर्स्ट नंबर का रॉन्ग हो जाता है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है तो आपके पास फिर यानी कि ये इलिमिनेट हो गया, ये भी इलिमिनेट हो गया, यानी कि बी और डी बचा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, ये कॉमन सा है, मतलब कि ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट अन्नमाचार और त्यागराज समकालीन है, तो ये जो है तो रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो ये
अन्नमाचार और जो मतलब कि ये त्यागराज हैं है ना, तो ये इन दोनों की काफ़ी मतलब कि डिफरेंट है, उस पर वो नहीं समकालीन नहीं है ना, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है तो ये भी रॉन्ग है। तो यानी कि थर्ड यहाँ से ये भी रॉन्ग होगा, तो आपका आंसर जो होगा 2 और 4, यानी अन्नमाचार कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। ठीक है, तो इसका नंबर बी जो है तो ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। विधि के शासन में शक्तियों का परिसीमन सही है, विधि के समक्ष समता ये भी सही है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये ऑप्शन इसमें सही नहीं होना चाहिए, और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये इसका ये भी सही है। इसका 1, 2 और 4 जो है स्टेटमेंट सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा या लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो ये लीगल टेंडर मनी जो तो प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीधा उठा करके पूछ लिया। लोगों का ध्यान तो खाली डिमोनेटाइजेशन तक ही गया, लेकिन जो मेन एक्चुअल कीवर्ड था वो लोगों ने ध्यान इधर नहीं दिया, यूपीएससी ने ध्यान दे करके लीगल टेंडर मनी पूछ दिया है ना। तो इस पे देखते हैं, तो इसका ऑप्शन पे देखें आप लोग, तो लीगल टेंडर मनी से रिलेटेड जो इसके ऑप्शन पे ध्यान दें, तो न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है ये है क्या, या वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, या कि चेक ड्राफ्ट विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा, या कि किसी देश में चलन में धातु मुद्रा है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर का। ठीक है, कि वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि सरकार के द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो वो क्या है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती, यदि ऑप्शन पे देखें कि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, या कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रहता है, या निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, या कि निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट पर ध्यान दें कि एक एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शंस में हैं कि किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, या देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, गोचर धन का संचय हो पाता है, या अगोचर धन का संचय हो पाता है। ठीक है, यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल, गोचर यानी टेंजिबल है और इनटेंजिबल यानी अगोचर जो धन दिखने वाला। तो इनके स्टेटमेंट पर देखें तो इसका जो स्टेटमेंट होगा 2 और 4 स्टेटमेंट इसके सही हैं, इट मीन इसके सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस पे इसका जो सही आंसर होगा उच्च पूंजी अनुपात है, उत्पादन अनुपात यानी कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय किया गया या किए गए। ठीक है, तो इनके ऑप्शन पे देखते हैं कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। ठीक है, किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैरकानूनी हो गया, ये भी सही इसका स्टेटमेंट, मतलब सी नंबर इसका सही होगा ऑप्शन में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण इसमें सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान की अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो, ठीक है, तो इनके ऑप्शंस पे देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि तब उस राज्य के विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है तो वो सही है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पे ऑप्शन पे देखते हैं कि पुथुक्किली शाल तमिलनाडु इसका जो है तो सही है, सजनी कढ़ाई ये बिहार का है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का नहीं है, वहीं जो उप्पाड़ा जमदान साड़ी की बात है तो ये आंध्र प्रदेश की है, कर्नाटक की नहीं है। ठीक है, इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा, बाकी जो तो रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। ठीक है, तो GPS तकनीक के उपयोग की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये तो सभी को पता ही होगा, इसमें इसका जो सही आंसर होगा 3 होगा, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि RBI भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु
किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पास रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। अब यदि ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, मतलब कि फर्स्ट एंड डी लॉस रॉन्ग हो गया। वहीं भारत सरकार कोष ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करते हैं, यह स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। वहीं लास्ट है, कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं, यह भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। मीन्स कि इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, ठीक है। इसका ये सही है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये उल्टा इसमें डाटा की बात, फैक्चुअल डाटा रॉन्ग है यहाँ पास, है ना, डाटा में हेर फेर कर दिया गया है, ठीक है। वहीं जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ये तो सही है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही होगा, सी नंबर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वन्ना क्राई, पेटिया और इंटर्न ब्लू ये जो हाल में समाचारों में थे, तो ये किससे रिलेटेड है ना। तो ये थे कौन से, साइबर अटैक से रिलेटेड कुछ ये थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है, इनमें से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं ना। तो जो इसमें देखते हैं संरक्षण कृषि से संबंधित, इसके ऑप्शन पे देखें, एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, ठीक है, तो ये तो ऐसा नहीं है ना, मोनोकल्चर सिस्टम नहीं है। वहीं न्यूनतम जोत को अपनाना, ठीक है, ये सही है। बागवानी फसलों की खेती का परिहार, ये भी नहीं है, है ना। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग कर सकते हैं, तो ये जो है तो करेक्ट है। वहीं स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों का अपनाना, ये भी इसका करेक्ट होगा। इट मीन्स कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है, यानी कि 2, 4 एंड 5 इसका राइट होगा, ठीक है। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि छठा व्यापक विलोप, है ना, या छठा विलोप वह शब्द, यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लेखित होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो यदि देखें तो मतलब कि छठा विलोप कहने का मतलब 6 मास एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जो इसका सही आंसर है तो होना चाहिए डी नंबर, ठीक है, यानी कि मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन, नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। याद रखिए कि इसको जो तीनों स्टेटमेंट भी लगभग उसी तरह है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट डी नंबर का इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो इसके यदि हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो ऑप्शन में है कि IRNSS जो है तो उसके तुल्यकालिक जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकालिक कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है, यहाँ पास फैक्चुअल डाटा आपका रॉन्ग हो जाता है। इसका जो 5,500 नहीं बल्कि 1,500 था, इसको फेर फेर कर दिया गया, इसका मतलब कि ये जो स्टेट बाकी तो पूरा राइट था लेकिन 1,500 डाटा के बजाय 5,500 कर दिया, इसलिए इसका ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी, ये भी जो है तो जो इसका स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन जो है तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो परिघटनाओं पर देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में तो मोस्टली जैसे कि प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को भी विकुंचित करता है, तो इनमें से अल्बर्ट आइंस्टाइन की आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के भविष्य कथन कौन से हैं इसकी प्रायः समाचार माध्यम में विवेचना होती है। इसका जो है तो तीनों ही स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, इसका तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाए तो सही होगा, ठीक है, क्योंकि उसी समय जो है तो स्टीफन हॉकिंस की डेथ हुई थी ना, तो काफ़ी मतलब कि चर्चित हो गया था, इसीलिए मतलब कि मतलब इसका मतलब कि अपेक्षिकता के सिद्धांत की मतलब पूछा गया है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विकसित आनुवंशिकता रूपांतरित सरसों, जेनेटिकल मॉडिफाइड सरसों, GM सरसों, उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो GM सरसों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि GM सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पादप पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है कि GM सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में परागण और संक्रमण को सुकर बनाते हैं, ये तो राइट है।
और जी एम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, इसका ये स्टेटमेंट भी जो है तो रॉन्ग है। इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पर देखते हैं कि बेल टू, तो बेल टू का प्रयोग तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नहीं था बल्कि बीटा मेसन स्टडी से था, ना, यानी कि इसका ए भी रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, तो ये डिजिटल क्रिप्टो इससे सही है। क्विस पर कैश नाइन, तो ये जो है तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन से कार्बन निषेचन यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम मतलब कि वर्णन करता है। ठीक है, तो इन पे ऑप्शन फिर देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के बाद उसे थपकी देते हैं जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन की बार मौसम को दर्शाता है। आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं तब इसमें भंडारित सामान में आई कमी को भी जान लेते हैं। ताज़े किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रयादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर, एसी मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो जा रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है, यानी कि इतना लंबा चौड़ा दिया गया है किसके लिए, एक ही टेक्नोलॉजी जो चर्चित हुई थी ज़्यादा उस समय, है ना। हालांकि वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पहले से ही था, लेकिन ये जो है तो आपस मतलब कि आपके माइंड को चेक करने के लिए इस तरह से माहौल दिया गया, वातावरण क्रिएट किया गया, है ना। तो अब इसका जो सही आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, IoT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि भारत प्रकाश वोल्टी इकाइयों के प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो वही फैक्ट वाला याद रखिएगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन की जब रैंकिंग की बात होती है, जब कंपेयर करता है UPSC, तो उसमें भी रैंकिंग में भी हेर फेर की जो स्कोप है ज़्यादा दिखता है और वहाँ भी जो है तो आपको पूरा स्टेटमेंट ही रॉन्ग कर देता है। तो इसमें भी ध्यान देने वाला था कि यहाँ भी आप अलर्ट हो जाइए जब रैंकिंग वाली बताए, चाहे कोई भी क्वेश्चन UPSC का हो, आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है तो रैंकिंग में हेर फेर कर देता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो यहाँ पास से रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, इसका यह भी स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग है, इसका ना तो एक ना ही दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी की मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्णपादप या स्टेपल कम्योडिटीज़ क्या थे। इसका जो सही आंसर होगा वो कपास, रेशम, शोरा और अफीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है ना, इसका जो सही आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना इसका महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इनमें से 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे ना, तो इसका जो सही आंसर है वो है अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो स्थानकवासी जो थे वो जैन मत से संबंधित थे। ठीक है, जैसे कि वो श्वेतांबर स्थूलभद्र वो थे, तो 1500 AD में लगा श्वेतांबर जो है तो डिवाइड हो गया था, है ना। और श्वेतांबर जब डिवाइड हुआ था तो वो तीन पार्ट पे डिवाइड हुआ था, है ना। तीन पार्ट में कौन कौन से थे, मूर्ति पूजक में, ठीक है, मूर्ति पूजक पार्ट एक था, सेकंड था स्थानकवासी था, ठीक है, सेकंड स्थानकवासी था और थर्ड था तेरापंथी। ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइड हुए थे, तो यही है जैन मतों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन विचार करना है। ठीक है, तो इस पे देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, यहाँ पास ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पास मतलब कि सफ़ेद संगमरमर की बात कर रहा है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। वहीं नेक्स्ट है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, है ना। तो इसके जो स्टेटमेंट की बात करें तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि ना ही एक सही है और ना ही दो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किन में से विदेशी यात्रियों में किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। ठीक है,
तो इनके जो सही आंसर होगा वो होगा जहाँ बैप्टिस्ट टेवानियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो भावी बुद्ध ये हैं मैत्रेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली को द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही लागू नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा लागू नहीं होता है, उसका जो सही आंसर होगा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ठीक है, ये सहायक संधि का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव, मतलब किससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी थी। ठीक है, तो इस पे से ऑप्शन पे देखें आप तो 1813 का चार्टर एक्ट था, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 था, या प्राचीविद एवं आंग्लविद विवाद से था। तो इसके जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो इसमें जो कृत्रिम झील है वो कोडाईकनाल तमिलनाडु की ये झील जो है तो कृत्रिम झील है। ठीक है, तो ये जो ऐसे मतलब किस टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, मोस्टली क्योंकि झील तो बहुत सी है ना, तो उसमें से भी इसी झील से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि उसी समय जो नवंबर 2017 में जो है तो मछलियों में मरकरी की मात्रा बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पास मतलब कई बहुत सी मछलियाँ मरी थी ना, इसीलिए जो है तो इसको पूछा गया था। अब इस बार भी जैसे कि देख सकते हैं कि सांवर झील, बहुत पक्षी भी वहाँ पास मरे थे सांवर झील में, तो इससे संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पास रेस हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन मतलब कि इन कथनों पर विचार करने की बात कर रहे हैं, है ना। ध्यान देने वाली बात है कि यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। मोस्टली यूपीएससी एक ये भी एनालाइज है कि यूपीएससी जो है तो मोस्टली जो मैंने बताया कि मिनिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चन की में भी हेर फेर कर देती है और वो रॉन्ग कर देती है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पास जो है तो मंत्रालय दूसरा दे दिया गया। तो ये इसका ये फर्स्ट जो है तो इसका सही नहीं है। ठीक है, नहीं इसको इलिमिनेट करने पे ना तो ये होगा ना ही ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति पत्ति और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी, या देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। यानी कि दो और तीन स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में इनमें से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, है ना, इसने अपना नाम चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। ठीक है, यानी कि आपको सीक्वेंस बतानी है कि सबसे पहले इसमें से मतलब कि कौन सी हुई है, सीक्वेंस पता है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, है ना। इसका जो सही आंसर होगा तो तीन बंधु मित्र जिन्होंने नील दर्पण का लेखन लिखा था, इसका ये सबसे पहले की घटना थी। ठीक है, उसके बाद के सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, बालू खनन के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, इन ऑप्शंस पे देखें तो नदी की लवणता में कमी होगी क्या, ये जो है तो रॉन्ग है। ठीक है, कि लवणता में कमी नहीं होगी क्योंकि भौम जल का प्रदूषण ये होगा और भौम जल स्तर का भी नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब कि दो और तीन स्टेटमेंट इसके जो है तो करेक्ट होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही, इन पर विचार करना है। ठीक है, तो कृषि मृदा के संदर्भ में देखें तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, ये जो है तो गलत है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी जो है तो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि भूमिका होती है, एक्सट्रीम लेवल पर बात कर रहा है। वहीं कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाली ये क्वेश्चन, ये मतलब स्टेटमेंट सही है, जैसे पी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि आविर्भूत हुई, है ना। यानी कि इसके थोड़ा सा इंग्लिश उस पर देखें कि इंग्लिश वर्जन पर देखें यदि द पार्टनरशिप फॉर एक्शंस ऑन ग्रीन इकोनॉमी यानी पेज PAGE। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो ये जो है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके ऑप्शन पे देखें तो ये जो है तो जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ, बिल्कुल नहीं। रियो डी जेनेरो 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में इसका वो हुआ था। इसका बी नंबर ऑप्शन जो होगा तो ये सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
3D मुद्रण का निम्न में से किसमें प्रयोग होता है, ठीक है, 3D मुद्रण, ये सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो वो मोस्टली हो जाते हैं उसके सही करेक्ट, सभी करेक्ट होते हैं, ठीक है, मिष्ठान की चीज़ें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिक, है ना, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये जो है तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, फैक्ट तो दे रहा है ना, लेकिन ग्रेट निकोबार के लगभग नज़दीक नहीं है। वहीं पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1999 में उद्गार हुआ था और तब से वह निष्क्रिय बना हुआ है, ये भी स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग है, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोसोपिस, यानी कि यहाँ पर देखें प्रोसोपिस जोलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है, है ना, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है तो प्लांट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा कि जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को ये नुकसान पहुँचाता है, यानी कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विश्व के सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो होगा करेक्ट होगा डी नंबर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है, ठीक है, तो ये जो पहल की गई थी वो है UNFCCC, है ना, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट के द्वारा, है ना, UNFCCC सचिवालय के द्वारा की गई थी, ठीक है, मोमेंटम फॉर चेंज। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो यदि इनके ऑप्शंस पे देखते हैं, बनारस का संस्कृत कॉलेज ये विलियम जोन्स के समय नहीं बल्कि जोनाथन डंकन के समय हुआ था, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट इसका ये गलत है, गलत मैच है, यानी कि एक नंबर नहीं होगा ए और ये इलिमिनेट। एक कलकत्ता मदरसा तो ये बैरन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ये सही आंसर है, ठीक है, सेकंड नंबर राइट है, वैसे ये सही होगा इसका। और फोर्ट विलियम कॉलेज ये आर्थर वेलेजली नहीं बल्कि रिचर्ड वेलेजली थे, ठीक है, तो ये दो नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो वही है ये जो चर्चित उस समय के क्षेत्र थे, है ना, तो कैटालोनिया स्पेन ये सही था, क्रीमिया यूक्रेन से रिलेटेड है ना कि हंगरी, ठीक है, मिंडानाओ ये फिलीपीन से रिलेटेड है, जबकि अरोमिया जो है तो ये नाइजीरिया नहीं बल्कि इथियोपिया से रिलेटेड था, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इसका ये सी नंबर सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, ठीक है, वहीं सेकंड नंबर पे भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया, या गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया, तो इनमें से कौन सा सही सीक्वेंस में इनको करना है, ठीक है, इनके सीक्वेंस को सेट करना है, तो इनके सीक्वेंस पे ध्यान दें हम लोग, तो इन पे ध्यान दें, तो फर्स्ट में तो ये सबसे बड़ी मतलब सबसे पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए साम्यवादी दल की सरकार जो थी 1957 में केरल में बनी थी, ठीक है, ये तो 1957 में हुई थी। वहीं ये जो एयर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि 1955 में बना था ना SBI वाला, वहीं एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो ये लगभग 1953 की घटना थी, और गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया था 1961 पे, ठीक है, यानी कि इनके सीक्वेंस पे देखते हैं तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो तो वो सही होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है, भारत के संविधान में निम्न में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की थी, वो करंट तब के समय की थी, ठीक है, हालांकि वर्तमान में तो इसकी प्रासंगिकता नहीं है लेकिन इस टाइप के ट्रेंड आप लोग देख सकते हैं। तो इनमें जो सही ऑप्शन था 2, 4, 5 और 6 यानी कि जौ, रागी, मूंगफली और तिल, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में फाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, ठीक है, तो फाखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन पे मतलब कि विचार करना है, ठीक है। तो यदि इस पे सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है तो इन पे ध्यान दें हम लोग। तो इसके ऑप्शन पे देखते हैं कि PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटर में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है ना, यानी कि ये तो सही है। नेक्स्ट है कि PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप में स्थित रहते हैं प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान में देखा जाता है ना, तो ये गलत है, बल्कि GSLV वाले सैटेलाइट ऐसे होते हैं, ठीक है। वहीं GSLV MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है ना, तो ये रॉन्ग है, बल्कि ये 4 स्टेज नहीं बल्कि ये 3 स्टेज का इंजन है, ठीक है, 3 स्टेज का वाहन है जिसमें सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल प्रयोग होता है, ठीक है। जबकि PSLV की बात करते हैं, PSLV जो होता है वो 4 स्टेज का होता है, ठीक है। तो यानी कि इसके जो सही आंसर था वो कौन सा था, ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्न से कौन सा तक विचार करना है, ठीक है। तो इस पर देखें कि पिछले दशक में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, दिस इज रॉन्ग। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है, यानी कि ये इसका स्टेटमेंट सही है, मतलब कि बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मदों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये भी जो है तब करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि इसमें जैसे बात करें कि इनमें से कौन से जो है तो GST के अंतर्गत छूट प्राप्त थे, है ना। तो इसके जो सही आंसर थे तो इनके ऑप्शन पे देखें तो इसका ऑप्शन छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए और विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, ठीक है, ये वाला नहीं था क्योंकि ये प्रोसेस्ड हो गया है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इन पे देखें यदि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास यानी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है, यानी कि ये सही है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं, है ना, तो ये भी जो है तो सही स्टेटमेंट है। वहीं थर्ड पे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा ये पावर जो है तो ग्राम पंचायतों को है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इन पे देखें तो ऑप्शन पे है कि पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा और बहती हवा, तो इनमें से कौन से पादप रोग फैलाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली उसके पूरे जो होते ऑप्शन सही होते हैं, मतलब कि 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलते हैं लास्ट आपका क्वेश्चन है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, है ना, जैविक कृषि से रिलेटेड है। तो देखें इसमें जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP है ना, यानी कि ये देखें कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है, ऐसा है क्या। फिर वही मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन और ये जो है तो रॉन्ग है, ठीक है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। एपेडा यानी द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो एपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, यह भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, यानी इसका 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2018 का कंप्लीट पेपर, हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म में देखा है। तो फ्रेंड आप लोग इस वीडियो में जो भी आप लोगों को और भी कोई अन्य क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर के आप बताएं, हम जरूर उसका समाधान हमारी टीम करेगी। और साथ ही साथ आप लोग जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसको जरूर से जरूर देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बतौर मैं बताना चाहूँगा कि आप IAS टीम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज भी लॉन्च कर चुकी है, हमारी टेस्ट जो करंट अफेयर्स है उसकी सीरीज नंबर 1 लॉन्च हो चुकी है, इसमें वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है, वो एक्सपर्ट पैनल के द्वारा तैयार की गई है। तो इसलिए हिंदी मीडियम के छात्रों में जिस प्रकार समस्या ये होती है उनको जो है तो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो कंटेंट है
उसकी बहुत ही कम अवेलेबिलिटी, अच्छे कंटेंट की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत ही कम है। तो इसलिए आप लोगों को मैं विशेष तौर पर यहाँ पर बताना चाहूँ कि आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और साथ ही साथ जो भी समस्याएँ हों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएँ, टीम उसका निश्चित तौर पर निदान करेगी। और हम अपनी ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज है यूपीएससी 2020 के एग्ज़ाम के लिए, हम उसके अगले वीडियोज़ भी जल्द ही लाने वाले हैं, और हम पूरा 365 डेज़ की करंट अफेयर्स आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निःशुल्क जो है तो हम लाएंगे। कोई भी पेड बैच यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, पेड कुछ भी नहीं है, आपको निःशुल्क हम तैयारी करवाएंगे, निःशुल्क करंट अफेयर्स देंगे, आप उसका लाभ लें। और साथ ही साथ उन दूरदराज के छात्रों को भी, या कि ऐसे छात्र जो कि कुछ परीक्षा जो कि कुछ पैसों या आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से जो तो अच्छे जो कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन नहीं ले पाए, या अच्छे मतलब कि पेड बैच नहीं ज्वाइन कर पाए ना, या अन्य किसी वजह से वो मतलब कि कंटेंट की कमी से जूझ रहे हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो फ्रेंड हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ।